नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं और महबूबा मुफ्ती का काम भी तमाम हो चुका है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर तरफ महबूबा के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। दिल्ली में भी महबूबा के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। अभी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक चली रही थी कि कश्मीर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कश्मीर में लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और इसलिए लोग महबूबा के घर पर भी हमला कर रहे हैं। महबूबा का इस समय काम तमाम होने वाला, क्योंकि महबूबा ने काम ही ऐसा किया है कि उनका काम तमाम हो सकता है। आपको बता दें, महबूबा का पाकिस्तान प्रेम दरअसल आज से नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है। महबूबा मुफ्ती खाती तो हिंदुस्तान का है लेकिन हक अदा करती हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की महबूबा भी कह सकते हैं उनको आप, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने हमेशा से पाकिस्तान के समर्थन में अपनी बात रखी है। दरअसल आज जम्मू कश्मीर के में सर्वदलीय बैठक चल रही है, सर्वदलीय बैठक में कश्मीर के नेता शामिल हुए हैं, लेकिन उससे पहले महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान प्रेम अपना झलका दिया। पाकिस्तान प्रेम में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी जिसे हिंदुस्तान कभी माफ़ नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को भी बातचीत में शामिल करने के लिए महबूबा मुफ्ती के प्रस्ताव का जम्मू में विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को जम्मू में डोगरा फ्रंट नाम के संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस बयान के लिए महबूबा को जेल के अंदर डाला जाना चाहिए। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि यह आंदोलन महबूबा मुफ्ती के बयान के खिलाफ है जो उन्हें गुपकार गठबंधन दलों की मीटिंग के बाद दिया था। उनका कहना था कि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान भी एक पार्टी है और उससे बातचीत की जानी चाहिए, उन्हें इस बयान के लिए जेल भेजा जाना चाहिए। पीडीपी के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को यह बयान दिया था। आज वह कश्मीर के मुद्दे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई मीटिंग में हिस्सा ले रही हैं। उनके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी की ओर से जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया था। इसके बाद केंद्र की ओर से वहां के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की पहली बार पेशकश की गई है। 8 राजनीतिक दलों के 14 नेता होंगे पीएम की मीटिंग में। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने तथा उससे संबंधित विशेष अनुच्छेद को निरस्त किए जाने का विरोध कर रहे गुपकार गठबंधन के नेताओं ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। लेकिन आपको बता दें, इस समय पीएमओ की तरफ से एक औपचारिक ऐलान हुआ है कि धारा 370 पर कोई बात नहीं होगी। जी हाँ साहब, सूत्रों से खबर मिली है कि धारा 370 पर कोई बात नहीं होगी। जो धारा 370 को अभी ख़त्म कर दिया गया है उस पर कोई चर्चा बैठक में नहीं होगी। मतलब कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के मुंह पर एक और तमाचा लग गया है और अभी बैठक के बाद, बैठक के दौरान भी लगने वाला है, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा अंदेशा इस समय बैठक से निकल कर आ रहा है। दरअसल बता दें आपको कि निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया है लेकिन महबूबा मुफ्ती के चेहरे से, उनके हाव भाव से लगता है कि वो इस बैठक से खुश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को भारत ने न्योता नहीं दिया। आप बता दें, उनका एक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला तथा पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में बैठक में शिरकत करेगा। कांग्रेस ने भी पुष्टि की है कि उसकी ओर से वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं के शामिल होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और मिशन कश्मीर, कभी ये नज़रबंद, आज मिलेंगी नज़रें, पीएम मोदी संग इन नेताओं की मीटिंग होगी अहम। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर और मिशन कश्मीर दोनों के मायने अलग अलग हैं। कभी इन नेताओं पर नज़रबंदी थी, इन नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया था, आज पीएम मोदी संग की मीटिंग होगी, आज नज़र से नज़र मिलेगी तो क्या होगा, बहुत बड़ा सवाल है। कभी नज़रबंद थे ये नेता, आज सामने होंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा सवाल है। बता दें आपको कि मोदी संग बैठक में दूर हो जाएंगी नाराज़गी। दरअसल ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के शब्द हैं, वो कहते हैं पाकिस्तानी नहीं है, वतन की बात करेंगे। महबूबा के बयान से फारूक अब्दुल्ला ने दरअसल पल्ला झाड़ा था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती का ये पर्सनल बयान था जो उन्होंने पाकिस्तान पर दिया है, ये उस बयान से वो कोई वास्ता नहीं रखते हैं, महबूबा मुफ्ती का यह बयान था।
दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम पाक नहीं वतन की बात करेंगे। महबूबा के बयान से अब्दुल्ला ने किनारा कर लिया है। महबूबा के पाक प्रेम के खिलाफ तिरंगा लेकर जम्मू में सड़कों पर उतरे हैं लोग। जेल भेजने की मांग की जा रही है। महबूबा के पाक प्रेम के खिलाफ सड़कों पर उतर कर लोग महबूबा मुफ्ती को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जेल भेजने के लिए वो सड़कों पर उतर आए हैं। मतलब कि ये एक अलग सा नज़ारा इस समय हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। आज कश्मीर से और जम्मू से जो नज़ारा देखने को मिला है वो बहुत हैरान करने वाला है। आज जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग पहली बार किसी कश्मीरी नेता के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, वरना हमेशा से ये लोग भारत के खिलाफ उतरते थे, तिरंगे को जलाते थे, लेकिन आज पहली बार ऐसा है कि तिरंगे को हाथ में लेकर ये लोग महबूबा मुफ्ती के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। दरअसल इन मुद्दों पर हो सकती चर्चा, आज जो बैठक है इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली में वार्ता शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में जारी किया गया हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। वैसे तो आधिकारिक तौर पर इस बैठक का कोई एजेंडा तय नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में रणनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा होने की संभावना है। उधर गुपकार गठबंधन के नेताओं ने कहा है कि वे इस बैठक में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग करेंगे। इस बीच बैठक के मद्देनज़र केंद्र शासित प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। समूचे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के साथ चौकसी बरती जा रही है। हर तरफ सुरक्षा बल के जवान टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, मतलब साफ है कि अब जम्मू कश्मीर में नकेल कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि गुपकार गठबंधन के जितने लोग हैं वो इसी ये सोचकर दिल्ली आए हैं कि वो पीएम मोदी के सामने धारा 370 को दोबारा बहाल करने की मांग रखेंगे और पीएम मोदी से कहेंगे कि धारा 370 को दोबारा बहाल कर दिया जाए। लेकिन पीएमओ की तरफ से एक सूत्रों से जो आधिकारिक बयान आया है कि धारा 370 पर कोई बात ही नहीं होगी, ना कोई बात होगी तो बहस कैसे होगी। मतलब कि पीएमओ ने साफ कर दिया है कि इस बैठक में धारा 370 से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। मतलब कि अब धारा 370 के आगे बढ़ने की तैयारी है। धारा 370 को पीछे छोड़ दीजिए, वो इतिहास बन गया है। भविष्य में अब आप जानते हैं कि भविष्य में क्या करना है कश्मीर में। कश्मीर के आगे भी हिंदुस्तान की रेखाएँ हैं, सीमाएँ हैं, जिसका नाम है POK। अगर आज ऐलान हो जाता है POK पर तो यकीन मानिए कुछ लोग तो सुसाइड कर लेंगे। इस समय पाकिस्तान भी हरकत में होगा, पाकिस्तान की सेनाएं भी अलर्ट होंगी, क्योंकि दिल्ली में बैठक है और कश्मीर का नाम बार बार लिया जा रहा है। सुबह से हिंदुस्तान की मीडिया में कश्मीर कश्मीर चल रहा है। मोदी ने भी कश्मीर का नाम लिया। मतलब साफ है कि कश्मीर का नाम लेते ही पाकिस्तान की हेकड़ी सुट्टी पुट्टी गुम हो जाती है और पाकिस्तान हाई अलर्ट पर हो जाता है। उसे पता है कि अगर दिल्ली ने आदेश कर दिया तो इंडियन आर्मी 24 घंटा नहीं बीतेगा कि POK पर तिरंगा लहरा देगी। दिल्ली के आदेश की देरी है खाली बस। और दिल्ली ने अगर आदेश कर दिया तो यकीन मानिए हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों तैयार हैं। जहाँ मर्जी वहाँ जंग लड़ा लीजिए, हिंदुस्तान तीनों सेनाएं तैयार हैं। तीनों सेनाएं कभी भी कुछ भी बड़ा कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आज की ये जो बैठक है और जो ममता बनर्जी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो देश में एक आस जगी है, जो जोश है, वो दरअसल ये दिखाता है कि आज देशद्रोहियों के खिलाफ एक साथ खड़ा हो जाना चाहता है, चाहे कश्मीर हो चाहे वो दिल्ली हो। अनुरोध करते खबर को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।